नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बॉयलर हाउस। मुझे आप सब ने फर्नेस ऑयल पर वीडियो बनाने को कहा था, तो आज हम बात करेंगे फर्नेस ऑयल क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, कैसे बनता है, किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट, पावर पॉइंट, वाटर कंटेंट, सेडिमेंट, क्लोरीफिक वैल्यू और इसके रिलेटेड और भी बहुत चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नेस ऑयल क्या है और कैसे बनता है। फर्नेस ऑयल एक काला चिपचिपा फ्यूल ऑयल है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से जो हैवी कंपोनेंट होते हैं वो डिस्टिलेशन टावर के नीचे बैठ जाते हैं, उससे हमें फर्नेस ऑयल मिलता है। और एक कमर्शियल फर्नेस ऑयल में आमतौर पर दूसरे पेट्रोलियम फ्रैक्शन भी डाले जाते हैं ताकि हमें सही विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट मिल सके। फर्नेस ऑयल कहाँ यूज होता है? फर्नेस ऑयल स्टीम बॉयलर्स में मेन फ्यूल है और हम स्टीम बॉयलर इंडस्ट्रियल प्लांट में, एब्रोड शिप्स में और पावर प्लांट में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? बंकर फ्यूल, फर्नेस ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये तीनों नाम इसी सेम प्रोडक्ट के हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो करंट मार्केटिंग रेंज में फर्नेस ऑयल मीट करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन IS 1593-1982 फॉर फर्नेस ऑयल्स और ये ग्रेड MB2 में आता है। बात करूं विस्कोसिटी की तो फर्नेस ऑयल स्पेसिफिकेशन में विस्कोसिटी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। विस्कोसिटी सही ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए कितना प्री हीट करना पड़ेगा इसको प्रभावित करता है। फर्नेस ऑयल की विस्कोसिटी की अपर लिमिट उतनी होनी चाहिए जिससे इसे स्टोरेज टैंक में बिना हीटिंग से हैंडल किया जा सके, बस उन जगहों को छोड़कर जहां बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्री हीट करना तो ज़रूरी ही है। फ्लैश पॉइंट कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव क्लासिफिकेशन के अनुसार फर्नेस ऑयल क्लास सी कैटेगरी में आता है और इसका मिनिमम फ्लैश पॉइंट 66 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट ये बड़ी रफ़ इंडिकेशन है उस लोअरेस्ट टेम्परेचर की जिस पर फर्नेस ऑयल आसानी से पंप किया जाए। फर्नेस ऑयल स्पेसिफिकेशन में फर्नेस ऑयल का पावर पॉइंट निर्धारित नहीं है। फर्नेस ऑयल का पावर पॉइंट ऐसा होता है कि करंट सप्लाई को बिना हीटिंग से पंप या हैंडल किया जा सके। वाटर कंटेंट वाटर फर्नेस ऑयल में फ्री और इमल्सिफाइड फॉर्म में हो सकता है। अगर इसमें डिजोल्व सॉलिड हो तो ये बॉयलर फर्नेस के इनसाइड सरफेस को नुकसान पहुंचा सकता है। नॉर्मली फर्नेस ऑयल में वाटर परसेंटेज बहुत लो होती है क्योंकि रिफाइनरी में इसकी हैंडलिंग का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। स्टैंडर्ड में इसकी लिमिट मैक्सिमम 1% बताई गई है। अब बात करते हैं सेडिमेंट की। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्नेस ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरी में जब क्रूड ऑयल से डिस्टिल्ड होता है तो इसको सही विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट देने के लिए इसमें और भी कंपोनेंट मिलाए जाते हैं और इन पेट्रोलियम कंपोनेंट में से कुछ रेजिड्यू में सेडिमेंट भी होते हैं और ये बॉयलर बर्नल पर उल्टे इफेक्ट डालते हैं और फिल्टर को ब्लॉकेज करते हैं। आमतौर पर सेडिमेंट बड़े पैमाने में मैक्सिमम 0.25% बायमास से कम ही होते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की। जब हम पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालते हैं तभी इसमें सल्फर होता है और इसकी कुछ परसेंटेज रिफाइनरी के बाद भी रह जाती है और फर्नेस ऑयल में सल्फर परसेंटेज 2.8 मैक्सिमम होती है। अगर सल्फर परसेंटेज ज़्यादा है तो ये बॉयलर फर्नेस में
कोरेजन का कारण बनती है। और अब बात करता हूँ क्लोरोफिक वैल्यू की। क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब है कि किसी भी फ्यूल में कितनी एनर्जी है, और ये जाना जाता है या डिटरमाइन किया जाता है एक स्पेसिफाइड फ्यूल की क्वांटिटी के कन्वेंशन से प्रोड्यूस्ड हुई हीट को मेजरिंग करके, और इसको हम आमतौर पर जूल्स पर किलोग्राम में नापते हैं। और फर्नेस ऑयल की ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू 10,100 किलो कैलोरी पर केजी होती है। अब मैं बात करूँ एफओ स्पेशल ग्रेड की, तो इसमें डेंसिटी 0.9600 ग्राम पर ml 15 डिग्री पर होती है, और फ्लैश पॉइंट 66 डिग्री मिनिमम होता है। विस्कोसिटी 165 मैक्सिमम, क्लोरोफिक वैल्यू 10,350 कैलोरी पर ग्राम, वाटर कंटेंट परसेंटेज 1 मैक्सिमम, एस परसेंटेज 0.1 मैक्सिमम, सल्फर परसेंटेज 0.8 मैक्सिमम, सेडिमेंट परसेंटेज 0.25 मैक्सिमम, एसिडिटी नील, और पोर पॉइंट 27 मैक्सिमम। तो दोस्तों, फर्नेस ऑयल का टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारा कवर कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बॉयलर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नमस्कार।